अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदीन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में जनाब उर्दू में हम सीख रहे हैं। जी हमने लास्ट वीडियोस में क्या सीखा था, लास्ट क्लासेस में हमने तोड़ना सीखा था, अब हम सीखेंगे जोड़ना। हरूफ जोड़िए कि पहले भी हम क्लासेस कर ले चुके हैं, लेकिन अब थोड़े से हम मुश्किल अल्फाज लेंगे जिसमें आपको ज्यादा हरूफ मिलेंगे। पहले हमने 3 हरूफ तक लिए थे, लेकिन अब हम 4 और 5 हरूफ पे सीखेंगे ताकि आपको नए नए अल्फाज बनाना आए, पढ़ना आए और उनसे आप उनको आप सीख सकें कि कैसे लिखते हैं। तो अब जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है जी, सब मिलता देखिए, बोर्ड पर फोकस कीजिए सब। जी रे, और रे के बाद ये किया थी शक्ल, आपको पता है ना रे शुरू में लिखा है, इसका मतलब ये शरारती लफ्ज है रे, और ये शरारती लफ्ज ऐसा है जो किसी से नहीं मिलता, किसी के शुरू में साथ नहीं देता, या आखिर में तो आ जाएगा काम के, लेकिन ये वो शरारती बच्चा है जो शुरू में हाथ नहीं आता। तो ये क्या होता है, ये अलग से आता है, ये किसी के साथ नहीं मिलेगा, ये अलग होगा रे। आया समझ में, ये रे हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आधी शक्ल आपको किसकी नजर आ रही है, ये की। तो जनाब हमने यहाँ पे आधी शक्ल ये की ऐसी बना दी, और इसके बाद इसी के साथ क्या लिखा हुआ है, ये की आधी शक्ल के साथ नून बना हुआ है, नून, और नून के बाद क्या बना हुआ है, अलिफ। तो ये क्या बन गया, रे अलिफ, रे ये री, नून अलिफ ना, रीना, क्या बना ये, रीना, रीना कैसे किसी का नाम होता है ना, ये वो बना है, रे ये री, नून अलिफ ना, रीना। अपने रे ये री, ये की मैं कौन सी आवाज निकाल रही हूँ, री, तो ये कौन सी ये होगी, आपके खुद दिमाग में आ जाएगा, ये रे ये री यानी ये छोटी ये है। अगर मीन ये मैं बोलूं तो वो बड़ी ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ रे ये री, इनका साउंड आ रहा है तो वो छोटी है। रे ये री, नून अलिफना, रीना, रे ये री, नून अलिफना, रीना। अब इसके बाद ये देखिए सीन की आधी शक्ल है, अब आपने क्या करना है, सीन की आधी शक्ल ऐसे लिखी और इसके साथ ऐसे अलीफ बना दिया, सीन अलीफ सा। अब इसके साथ ते, ते पूरा है तो ते साकीन, ते साकीन, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा, ते साकीन सात, सीन अलिफ सा, ते साकीन सात। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, बे को अलिफ से मिलाना है, बे की आधी शक्ल और इसके बाद अलिफ, तो बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। फिर इसके बाद क्या आ गया, जीन की ऐसे आधी शक्ल और उसके साथ छोटी है, ऐसे ही बनाते जाए साथ साथ, तो क्या बन गया, बे अलिफ बा, और जीन छोटी है जी, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, क्या बना सोचे, मैंने तो अलग से बोल दिया, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी। अब आप अपने दिमाग में फौरन लाए, इन दोनों को अपने दिमाग में लाए के बा जी, क्या बना ये, बा जी, बे अलिफ बा, जीम छोटी है जी, बा जी। इसके बाद देखिए गाफ अलिफ गा, मैंने आपको कहा था ना काफ और गाफ जब हम बी मिलाते हैं अलिफ के साथ तो ये गोल वाली काफ बनती है, ऐसे गाफ अलिफ गा, डे नहीं मिलेगा इससे, और छोटी है गाफ अलिफ गा, रे छोटी है डी, गाड़ी, गाफ अलिफ गा, रे छोटी है डी, गाड़ी, गाफ अलिफ गा, रे छोटी है डी, गाड़ी, गाफ अलिफ गा, रे छोटी है डी, गाड़ी। अच्छा जी नेक्स्ट पे आ जाए, डे अलिफ बा हो गया। इसके बाद अब यहाँ देखिए जीन की आधी शक्ल और इसके साथ आपने अलिफ बुला दिया, तो ये क्या बना, जीन अलिफ जा, बा जा, बे अलिफ बा, जी अलिफ जा, बाजा, बे अलिफ बा, जी अलिफ जा, बाजा। अब इस पर नेक्स्ट पे आ जाए, फे हो गया, फे ऐसे आ गया, इसके आगे लाम साकिन, फे लाम, फे लाम क्या बना सोचे, फे लाम फल, फल लाम खाते हैं ना, बहुत सारे फल होते हैं, फे लाम फल, फे लाम फल, फे लाम फल, फे लाम फल। इसके बाद आ गया झे वाओ झू, झे की आधी शक्ल हो गई, पूरा झे हो गया, फिर वाओ आ गया, झे वाओ झू, लाम अलिफ ला, झूला, झे वाओ झू, लाम अलिफ ला, झूला। देखिए नाम ऐसे आया और इसके ऊपर अलिफ आया, जब हम लाम के साथ अलिफ लिखते हैं तो लाम की शक्ल आती है ऐसे आधी, ऐसे लाम लटका के नहीं लिखा जाता है, लाम की आधी शक्ल होती है और उसके ऊपर अलिफ आता है, तो बे जी वाओ झू, लाम अलिफ ला, झूला, 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 मलिफला, झूला। इसके बाद है पे अलिफ पा, तो ये जो बना हुआ ये लाम है, लाम वाओ, पे अलिफ पा, लाम वाओ। देखा आपने मैंने कैसे लिखा, लाम लिखा और उसके साथ वाओ बना दिया, देखिए लाम के बाद वाओ है तो मैंने लाम लिखा और उसके बाद वाओ, जो हर्फ है उसके बाद जो हरूफ होता है वो साथ साथ आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो एक लफ्ज पूरा बन जाता है, तो ये बना पे अलिफ पा, लाम वाओ, पालो। ये नून अलिफ ना, रीना, सीन अलिफ सा, ते साकीन सात,
अलिफ बा जिम छोटी है जी बाजी, गा अलिफ गा ए छोटी है डी गाड़ी, बे अलिफ बा जी अलिफ जा बाजा, फे लाम फल ए वाव जू लाम अलिफ ला झूला, पे अलिफ का लाम वालो पालो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मजीद इसकी पहले प्रैक्टिस करनी है, इसको मेरे साथ साथ जैसे मैं कर रही हूँ तो आपने भी साथ साथ करते जाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम हुरूफ कैसे तोड़ रहे हैं और जोड़ कैसे रहे हैं, यानी जोड़ना तोड़ तो आपको आ गया अच्छी तरह, अब जोड़ भी आ जाए तो आपको जोड़ना समझ में आ जाए कि हर लफ्ज के बाद हम दूसरा हुरूफ लिखते जाएंगे और जिसकी जो शक्ल है सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। यहाँ पे आधी शक्ल है तो इसको आधी को अलिफ से मिलाया, वो किया कंप्लीट, फिर उसके बाद आधी शक्ल है उसके बाद उसको अलिफ से मिलाया, ऐसे एक पूरे लफ्ज को हम लिखते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ना है बार बार और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप इसको बार बार इस लेक्चर को देखते जाएं, इस क्लास को समझते जाएं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आप नए अल्फाज को हिज्जों से पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि ये काम करने का मकसद ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे चार अल्फाज लिख के जो है ना आप लोगों की क्लास लूं, मेरा मकसद है आपको रीडिंग करना है, आपको लिखना है और आपको पढ़ना है। अगर आप इसको समझेंगे इसकी थीम को कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि आपको हम रीडिंग सिखा रहे हैं, बुलंद खवानी जिसको उर्दू में कहते हैं, जब आपको रीडिंग आएगी अच्छी तरह समझ में आएगी तो आपको लिखना भी आएगा कि कैसे लिखना है। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी अपनी तवज्जो और अपना इंटरेस्ट शो करें, यानी आपकी अटेंशन चाहिए, और उसके साथ ही जब आप अटेंशन से इंटरेस्ट लेके सीखोगे देखोगे तो आपको ये चीज बहुत आसान लगेगी, और जब आसान लगेगी तो आपको मजा आएगा और आपको पढ़ना आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब आप स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे, जब अल्फाज सीखने आ जाएंगे पढ़ने आ जाएंगे तो आप किताबों की कहानियों की किताबें पढ़ सकते हैं, कहीं कुछ सीखा हो तो आप वो अच्छे से आप उसको हिज्जों से पढ़ सकते हैं। तो इस चीज से आपको ये फायदा होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे जब हम काम करेंगे तो वो उसी से दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा। मैं आज की इस क्लास का एंड करती हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, अपनी प्रैक्टिस को नहीं रोकनी है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डी महमूद अकेडमी को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, अपनी फैमिली को भी बताइएगा सबको कि भाई यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।